हेलो भाइयों, मैं हूं प्रफुल्ल धाकड़। आज हम देखने वाले हैं मारुति सुजुकी बलेनो के कुछ हिडन फीचर्स, जो कि भाई एक जो की फॉब है ना, कुछ इससे रिलेटेड है और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं। देखो, फर्स्ट फीचर ये है, जैसे अपन ने गाड़ी लॉक करी, गाड़ी लॉक हो गई, जब अपन ने अनलॉक करी तो आप देख सकते हो पीछे का डोर नहीं खुला है, लेकिन ये ड्राइवर साइड का डोर खुला है। ये एक सेफ्टी फीचर है, जैसे भाई अपन अकेले हैं तो इस चीज़ को अपन अनलॉक करेंगे ना, जब दूसरी बार इसको अपन अनलॉक करेंगे जब ये अपना फीचर काम आएगा, ये एक अपना सेफ्टी फीचर है। दूसरे अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो अपन ने बोनट ओपन करा, अगर अपन इसको अब लॉक करते हैं, अपने को ये 3 बीप देती है, इससे अपन को पता चल जाता है अपना बोनट खुला है। तो अपन एक आप बोल सकते हो, अगर जैसे अपन बोनट खुला, अपन कहीं बाहर चले गए तो आपको दिक्कत आ सकती है, आपकी बैटरी वगैरह चोरी हो सकती है। तो ये इसका हिडन फीचर है, बाकी इसको अपन बंद कर देते हैं। देन अब बात आते हैं, अपन पहला फीचर तो अपना ये हो गया, दूसरा फीचर अपना बोनट वाला हो गया, तीसरा फीचर अपने को अंदर बैठ कर पता चलेगा, जो कि अपन देख लेते हैं। इसको सबसे पहले अपन इधर पुश स्टार्ट बटन मिलता है, ये जेटा वेरिएंट है, कुछ लोग इसको जीटा बोलते हैं, कि ऐसी कुछ है लॉक अनलॉक वाली। आप देख सकते हो ऐसा कुछ अपने को इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। अब जैसे अपन इसको जो अपन अब इस वाली बटन को प्रेस कर रहा है तो आप ये सब चीज़ देख सकते हो, ठीक है। पावर टॉर्क भी बता देता है ये। अब जैसे अगर इसको अपन लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं ना, अब देखना अभी ये इसमें अब फीचर्स खुल गए, और अब आप बोलोगे कि ये ऊपर नीचे कैसे होंगे भाई, एक बार प्रेस करोगे बैक हो जाएगा, ये है ना इसको ट्विस्ट करना आपको इस तरीके से, जैसे आप जब घुमाओगे ना इसको इस तरीके से, ऐसा जैसे अपन लाइट चालू करते हैं ना इसकी ऐसी, तो इस तरीके से इसको वो करना अपने को। लैंग्वेज, फ्यूल रीसेट, टेम्परेचर सेट, सेंसर, इसमें आप देख सकते हैं नॉर्मल मोड और ट्रेलर मोड है, इसको अपन बैक कर लेते हैं। डोर लॉक पे जाते हैं, अगर डोर अनलॉक, ऑटो लॉक, ऑटो अनलॉक, ऐसे कुछ इसमें फीचर्स हैं। मेन फीचर है अपना ये, जैसे लाइट है, फुट लाइट और लेन चेंज, और इसमें क्या है, गाइड मी लाइट, एंटी थेफ्ट, ISAC, स्टैंडर्ड इकोनॉमी और कंफर्ट। अपने को देखो मेन चीज़ जो थी वो मैं बता देता हूँ अभी, ये एंटी थेफ्ट है। अब इसको ये जो है शॉक सेंसर, इस पर आप क्लिक करोगे, थोड़ा भाई फोकस नहीं हो रहा बट आप, मैं पढ़ के बता देता हूँ, शॉक सेंसर है, इस पर क्लिक करना है, इसको घुमाना, इस पर ऑन पे एक बार इस पर कर लेना, सक्सेसफुल हो गया। अब जब आप गाड़ी इसको बंद करोगे, आपने बंद कर दी, अब इसको आप जब लॉक करोगे, आपने कर दी, अब अगर जैसे मैं इसको ठोकूंगा तो ये जो साउंड कर रही है ना, इस वजह से आपको ये करना पड़ेगा। अब मैंने अनलॉक कर दी, आप कहीं भी अब जाओगे तो भाई गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, लेकिन कहीं दूर जाके ये बंद हो जाएगी। तो मैंने इसको ऑन कर लेते हैं, ये ऑन हो गया, इसको अगर बंद करना है थोड़ा टाइम लेगा, पहले ये अपना पूरा ये सब कर ले, इसको म्यूट कर देते हैं, बार बार हो जाता ऑन। तो आप देख सकते हो, और ये चीज़ भाई आप कुछ भी करोगे ना, सीट को स्लाइड करोगे, गियर डालोगे, हैंड ब्रेक उतारोगे, चढ़ाओगे, इसको ठोको, ग्लोव बॉक्स बंद करोगे या इसको करोगे, लाइट ऑन करोगे, गाड़ी में कुछ भी होगा ना भाई, हल्का सा एक मतलब आप ऐसा भी करोगे ना तो गाड़ी बीप करेगी। तो अपन इसको बंद कर देते हैं, ये रहा एंटी थेफ्ट, इस पर क्लिक करते हैं, शॉक सेंसर, इसको अपन कर देते हैं ऑफ, सक्सेसफुल हो गया ये, एक बार इस पर देख लेते हैं ऑफ हो गया कि नहीं। हाँ ऑफ हो गया,
अब इसको आप बैक कर लेते हैं। बैक कर देते हैं, तो ये एक सेफ्टी फीचर हो गया। अब अपन देख लेते हैं इसके एक और सेफ्टी फीचर जो कि है, जैसे भाई मैंने गाड़ी लॉक करी, ठीक है, अब जैसे अगर मैं अनलॉक करता हूँ तो ये मैं देख लूँ, ये चाबी मेरे पास रखी है। अब आप देखना 30 सेकंड्स के अंदर डोर अपने आप लॉक हो जाएगा। आप देखना वो वाला डोर, तो उस तरफ से बताता हूँ मैं, यार भाई दिखे कहीं नहीं। ये क्या होता है ना, 30 सेकंड्स के अंदर डोर लॉक हो जाता है। एक आवाज आई, अब जो डोर लॉक हो चुका, देखो मैंने चाबी के साथ कुछ नहीं करा, आप देख सकते हो गया लॉक। तो ये एक सेफ्टी फीचर है, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप ये ट्राई कर सकते हो। अगर आपने मान के चलो गाड़ी लॉक है, उसको आप अनलॉक करते हो, 30 सेकंड्स के अंदर अगर गाड़ी कुछ छेड़छाड़ नहीं करते, डोर ओपन नहीं करते, तो 30 सेकंड्स के अंदर डोर अपने आप लॉक हो जाता है। फर्स्ट में अनलॉक करते हो तो अपन ये डोर अकेले अनलॉक होता है, इस वजह से ये फीचर हो जाता है। तो यही था आज की वीडियो में, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।